नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एडमिशन के लिए किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है 16 मई से ही एडमिशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन इस बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम हुई हैं जिसके कारण जो बहुत सारे स्टूडेंट अपने एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दिए हैं और काफ़ी सारे लोग जो है अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं एडमिशन के लिए। इस वीडियो में हम आपको सारी प्रोसेस बताने वाले हैं कि फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, कैसे कॉलेज का सिलेक्शन करना है, किस तरीके से पेमेंट करना है, किस तरीके से अगर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं तो किस तरीके से अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड फॉरगेट करना है। तो अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस वेबसाइट का लिंक दे दिया है, तो आप लिंक पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे में आपको ऑप्शन दिख जाएगा एक्टिव लिंक, तो आप इसमें क्लिक कीजिए। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस टिक बॉक्स में क्लिक करना है और आपको क्लिक हियर टू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन में क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग में 2023 सेलेक्ट कर लेना है और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल लेना है, डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद आपको अपने स्कूल का रोल कोड डालना है और रोल नंबर डालना है। रोल कोड, रोल नंबर डालते ही आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, अगर आप बिहार बोर्ड से पास हुए हैं तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली आपका डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद आपको चूज फाइल में क्लिक करके आपको अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम अपने PC से फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारा फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने स्कूल का एड्रेस डालना है, तो यहाँ पर हम अपने गांव का नाम डाल लेते हैं क्योंकि ये स्कूल मेरे गांव में ही है। उसके बाद आपको यहाँ पर रिलीजन्स में क्लिक करके हिंदू मुस्लिम जो भी आप हैं आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए, आप कौन से ब्लॉक से हैं। उसके बाद आप अपना फुल एड्रेस डाल दीजिए, जैसे कि विलेज, पोस्ट, ब्लॉक, तो अपना डाल लीजिए, आप उन्होंने डाल दिया है। उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपको टेलीफोन नंबर में कुछ नहीं डालना है, आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद आपका जाति अपना सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, और आपको नीचे में आके आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। बात यहाँ पर मैंने मधुबनी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है कि आप कौन से कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस कॉलेज को आप नंबर वन में डालिए। यहाँ पर मैं ये खाजेडी वाला कॉलेज को मैं नंबर वन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं स्ट्रीम क्लिक करके जो है यहाँ पर मैं आर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप आर्ट, कॉमर्स, साइंस, जो भी चीज़ आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप वो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आर्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं एड ऑप्शन में मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप एड ऑप्शन में क्लिक करेंगे आपका कॉलेज यहाँ पर एड हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरा कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप दूसरे नंबर में कौन से कॉलेज रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं स्ट्रीम में आर्ट सेलेक्ट करके जो है एड थर्ड ऑप्शन में मैं क्लिक करूँगा तो ये कॉलेज यहाँ पे एड हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने आर्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने एड ऑप्शन में क्लिक किया तो ये जो है यहाँ पे दूसरा कॉलेज भी एड हो गया। इसी तरीके से आप 10 कॉलेज एड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 10 कॉलेज एड कर लिए, तब आप इसको नो कर दीजिए। नो करने के बाद आप इन दोनों बॉक्स को टिक कर दीजिए और आप यहाँ पर प्लीज़ क्लिक किया टू डिपॉजिट दी एप्लीकेशन फी में क्लिक कीजिए। जैसे आप ब्लू कलर के बटन में क्लिक करेंगे आपके पास आपका प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म सब कुछ सही से फिल है कि नहीं। अगर कुछ गड़बड़ी हो तो आप मॉडिफाई में क्लिक करके आप इसको ठीक भी कर सकते हो। वैसे मेरा फॉर्म सब कुछ सही है, तो मैं नीचे में आ गया, अब मैं ओके में कन्फर्म में मैं क्लिक करता हूँ। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद आप ओके में क्लिक कीजिए। ओके में क्लिक कीजिए, ओके के बटन में आप 2 बार क्लिक कीजिए। उसके बाद जो है आपके फ़ोन पर एक OTP सेंड किया जाएगा, तो आप OTP यहाँ पर डाल दीजिए। OTP सिर्फ डिजिट का मिला हुआ, तो आप OTP यहाँ पर डाल दीजिए। OTP डालकर आप सबमिट में क्लिक कीजिए। सबमिट में क्लिक करने के बाद जो है पेमेंट वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आप किस चीज़ के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके जो है यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट है पहले से, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट जो है यहाँ पर मैं एक्सिस बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जिस भी बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं आप अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सिस बैंक में क्लिक करता हूँ। एक्सिस बैंक में क्लिक कर, आप भी एक्सिस बैंक में क्लिक कर सकते हैं अगर आप ATM कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। तो एक्सिस बैंक को सिलेक्ट करके आप प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक कीजिए। उसके बाद जो है एक्सिस बैंक का नेट बैंकिंग वाला पेज ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए, यानी कि टिक लगा दीजिए। और आप नीचे में जो है एक ऑप्शन है कार्ड का, तो आप कार्ड में क्लिक करके रेजर पे में क्लिक कीजिए। रेजर पे में क्लिक करने के बाद आपके पास जो है एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको अपने ATM कार्ड का डिटेल्स डालना पड़ेगा, जिसकी कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, CVV नंबर, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पर डाल दीजिए। और आप यहाँ पर जो है
पे के बटन में क्लिक कीजिए। पे के बटन में क्लिक करते ही आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, तो आप OTP यहाँ पर डाल दीजिए। OTP डालते ही आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। OTP अब हमारे फ़ोन पे सेंड किया गया है, तो वो OTP यहाँ पे हम डाल देंगे। कोशिश कीजिए कि आप OTP यहाँ पे जल्दी जल्दी टाइप कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 मिनट का समय मिला। अगर आप 3 मिनट में टाइप नहीं करेंगे ये एक्सपायर हो जाएगा। तो हमें OTP रिसीव हो गया था। हम अपना OTP डाल के अब हम पे के बटन में क्लिक कर देते हैं। पे में क्लिक करते ही हमारा पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। कभी कभी आपका पेमेंट फेल हो जाता है, तो आप घबराइएगा नहीं, आप बैंक में कॉल करके एक बार कंप्लेन रजिस्टर करवा दीजिए। उसके बाद हमारा पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका था। अब मैं प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी में क्लिक करके यहाँ पर मैं इस बटन में क्लिक करके मैं इसका जो है प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको जो है PDF के रूप में सेव भी कर सकते हैं। मैं सेव एज PDF में क्लिक करके जो है इसको मैं अपने PC में सेव कर लेता हूँ। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप यहाँ पर इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो अब आपका इतना काम यहाँ पे हो गए हैं। तो जब कटअप लिस्ट जारी होगा तब मैं आपको बताऊँगा आप किस तरीके से जो है आप कटअप लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, और आप किस तरीके से आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं उसका भी वीडियो मैं बनाऊँगा। तो आप अगला वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे आप किस तरीके से इंटरमीडिएट एडमिशन 2023 के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।